सो कैसे मेरे भाई, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। सो गाइस, आज के वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे आप मैक्स टकाटक ऐप में प्रोफाइल लगा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है कि वो अपनी फ़ोटो चेंज नहीं कर पा रहे हैं, फोटो लगा नहीं पा रहे, ये काफ़ी सारी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अभी अभी मतलब अभी थोड़ी देर हुआ है मैक्स टकाटक ऐप में अपडेट आया। ठीक है, अगर आपने अपडेट नहीं करा तो अपडेट कर लेना। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाके ठीक है अपडेट कर लोगे तो इसके अंदर अपडेट आ चुका, अब चेंज कर सकते हो। ठीक है, और कैसे चेंज करना है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है टकाटक ऐप में। ठीक है, जैसे आप चले जाओगे मैक्स टकाटक ऐप में ओपन कर लेना, उसके बाद मी वाले ऑप्शन में आ जाना। मी वाले ऑप्शन में आ जाओगे, उसके बाद आपको पेंसिल वाले आइकन में क्लिक करना है। जैसे आप पेंसिल वाले आइकन में क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो आपको कैसे कैसे करना है मैं सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट में आपको दिया गया है नाम, यहाँ से आप चाहे तो अपना नाम डाल सकते हो, जो आप नाम रखना चाहते हो, जो आप नाम रखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद जेंडर, आप क्या हो, मेल हो, फीमेल हो, क्या हो, लड़की लड़का हो, जो भी हो, मतलब यहाँ से आप फिनिश कर लेना। ठीक है, जो भी है। उसके बाद यहाँ से आता है आपका बर्थडे, अगर आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो कि आपका बर्थडे डेट कब है, मतलब आपका जन्मदिन कब आता है। ठीक है, वो सब आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ से है लिंकिंग, मतलब आप कहाँ के रहने वाले हो। ठीक है, मतलब कौन से राज्य के हो। ठीक है, मतलब रहने वाला ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ, वैसे तो मैं दिल्ली का ही हूँ। ठीक है, उसके बाद दिल्ली में सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आओ आ रहा है बीओ, तो बीओ आप समझ रहे हो क्या, बीओ में आप अपना लिख सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो, कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। यहाँ पे लिंक देख सकते हो इंस्टाग्राम का, जैसे आप टिकटॉक पे दिया करते थे। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ का, फ़ोटो। फोटो में काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत आ रही है कि फ़ोटो चेंज नहीं कर पा रहे या फ़ोटो लगा नहीं पा रहे, तो उसके लिए आपको कैमरे वाले पे सीधे क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, सबसे पहले है टैग ए फोटो, मतलब इसमें आप चाहो तो अपनी फ़ोटो को ये खींच सकते हो। ठीक है, और अगर आपके पास पहले ऐसी फ़ोटो है अपने मतलब एडिट करके रखा है उसको यहाँ पे अपलोड करने के लिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट गैलरी में जा सकते हो और व्यू इमेज मतलब आप चेक कर सकते हो कि आपने कितने कितने फ़ोटो आपको पहले गए। ठीक है, मतलब ये सारा कुछ दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, मैं गैलरी वाला ऑप्शन चूज करता हूँ। जैसे देखो गैलरी वाला ऑप्शन आ गया, वहाँ से आपको एक फ़ोटो ले लेनी है, जैसे कि मैं फ़ोटो ले लेता हूँ एक सिंपल सी एक फ़ोटो। ठीक है, सुबह इस मैंने एक फ़ोटो ले लिया, उसके बाद ओके क्लिक कर देना। ओके क्लिक करोगे तो इस तरह का हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि मेरा हो चुका है कंप्लीट टोटली। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी एक प्रोफाइल अच्छे से बना सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको जैसे बताया, यहाँ वीडियोस देखने को मिलेगा, यहाँ लाइक्स और कितने लोगों ने फॉलो करा, कितने लोगों ने आपको नहीं अपने कितने लोगों को फॉलो करा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सी वीडियो थी आपको समझाने के लिए, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक मारो, अपने दोस्तों के साथ शेयर मारो और कमेंट में मुझे बताओ कि वीडियो कैसी लगी, क्या अच्छा लगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।